2005 के पहले किसी साल का डाटा पहले वो डिक्लेयर करें। इधर तो कार्रवाई भी हो रही है लेकिन उधर तो कार्रवाई नहीं हो रही थी। एक जब भी उनकी सरकारें थी उस समय का डाटा वो अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कम दिखावा किया है उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ कांत किशोर अभी हवा में है, देखिए कहाँ रहते हैं। फर्स्ट वी आर झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा क्राइम डेटा जारी किया जाता है जिसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में केंद्र सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले जो क्राइम जो होता था उसको लेकर भी डेटा जारी कर दे। वहीं कलकत्ता की जो घटना हुई थी जो वहाँ पर कानून लाया गया है उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं केंद्र सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। 2005 के पहले किसी साल का डाटा पहले वो डिक्लेयर करें उसके बाद इधर का डाटा तैयार करें। इधर तो कार्रवाई भी हो रही है लेकिन उधर तो कार्रवाई नहीं हो रही थी। एक अन्य मार्ग में समझौता होता था तो 2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी उस समय का डाटा वो अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कंपटीटिव स्टडी हो जाती तो अच्छा रहता। अच्छा, बंगाल सरकार ने रेप के खिलाफ एक बिल पास किया, क्या लगता है ये पहले हो जाना चाहिए? वो दिखावा किया है उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ महिला है, महिला के साथ दुराचार हुआ है, अब वो भी मानती है कि गलती हुई है। ये जो कानून पास हुआ है कानून में आजीवन सजा की बात आई है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के रेप के कांड में और मर्डर कांड में हत्या ही होनी चाहिए, मतलब कि फांसी होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो वो कानून कुछ कम करके दिखलाया गया है क्रिमिनलों को बचाने के। 2025 के चुनाव में आप प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं? प्रशांत किशोर अभी हवा में हैं, देखिए कहाँ रहते हैं। इन भारत के सभी लोग एक हो इस पर हम विश्वास करते हैं और भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसलिए ये कहना कि कौन कहाँ क्या है। तो आपने सुना जीतन राम मांझी के बयानों को, उन्होंने कहा कि 2005 के पहले जो क्राइम होता था उसका भी डेटा प्रस्तुत कर दे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो भी घटनाएं घट रही है प्रदेश में उसके ऊपर संज्ञान लिया जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक अन्य मार्ग से फैसला लिया जाता है, पहले क्या होती थी 2005 के पहले एक अन्य मार्ग से फैसला लिया जाता था। वहीं कलकत्ता में जो घटनाएँ घटित हुई थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो बिल वहाँ पे जो कानून जो लाया गया पश्चिम बंगाल की तरफ सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है खुद महिला है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे सरकार नहीं चल पा रही है क्योंकि एक महिला है। अब उन्हें एहसास हुआ कि हाँ पश्चिम बंगाल में गलती हुई थी लेकिन जो बिल जो लाया गया है, जो कानून जो बनाया गया है उसमें आजीवन कारावास दिया गया है। ऐसे केस जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है लड़कियों के साथ, जो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है और उसके बाद जो उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो उसमें जो है फांसी की ही सजा होनी चाहिए। जीतन राम मांझी साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि इस घटना में जिस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया जाता है उस घटना में फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए, आजीवन कारावास नहीं होनी चाहिए। और उसको लेकर इसके बाद प्रशांत किशोर के पार्टी बनाया गया जिसको लेकर 2025 विधानसभा चुनाव में आएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ रहेंगे। पहले इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करें। यही खबर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं सदन सिंह पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।